टनकपुर जिला प्रशासन ने खनन पर लगा विराम हटा दिया है और आपको बता दें कि बिना तैयारियों के ही खनन का काम जो है वो शुरू करवा दिया गया है। खनन निकासी का कार्य करने वाली शक्तिमान यूनियन ने भी एसडीएम का घेराव कर जल्द खनन खोलने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की थी। चंपावत जिले के टनकपुर की शारदा नदी में खनन खोलने की कवायद में स्थानीय प्रशासन जुट चुका है, जिसको लेकर पूर्णागिरी तहसील टनकपुर के एसडीएम ने शारदा नदी के खनन तोल केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं खनन एजेंसी वन निगम के अधिकारियों को जल्द सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। हालांकि वन निगम ने जहां 6 अक्टूबर से बिना तैयारियों के आनन फानन में खनन खोल दिया था, लेकिन वन निगम की शारदा नदी में खनन की अधूरी तैयारियों के चलते खनन व्यवसायियों ने अभी तक एक भी वाहन खनन को नदी में नहीं डाला है, जिसके बाद राजस्व के हो रहे घाटे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कमर कसी है। वहीं एसडीएम टनकपुर अब 3-4 दिन के अंदर शारदा नदी से खनन शुरू करने की बात भी कह रही हैं। तो वहीं शारदा नदी में खनन निकासी का कार्य करने वाली शक्तिमान यूनियन ने भी एसडीएम का घेराव कर जल्द खनन खोलने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि खनन से जुड़े लोगों का रोजगार शुरू हो सके। जल्दी शुरू हो जाएगा, कल से ही इनको ये काम शुरू करना है। और जो कांटे लगने हैं वो भी 3 कांटे यहाँ पे लग चुके हैं, एक कांटा वो एक्स्ट्रा लगना है, पिछले विगत वर्ष भी नहीं लगा था, परंतु इस बार डिमांड आई है कि इसको लगाया जाए करके, तो एक सप्ताह में वो लगा दिया जाए। हम विचार कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस बार बढ़े। चंपावत से हरीश सिंह बेहरा की रिपोर्ट। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।